लेट चल रहा हूं मैं। एक सेकंड भाई, कोई उड़ तो नहीं जाएगा ना? पीछे गाड़ी रख के चला गया भाई। यस, अब क्या है भाई, तो ये गाड़ी डराती ज्यादा है। सॉरी गाइस, मैं थोड़ा ये ऑल राइट। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, जनरली पिछले एक हफ्ते से मैं 40 मिनट कार्डियो कर रहा हूँ, लेकिन आज मैंने एक घंटा कार्डियो किया और अभी टाइम हुआ है 5:15। मैं जा रहा हूँ जिम, तो वर्कआउट करूँगा, उसके बाद और आधा घंटा कार्डियो करूँगा। रीज़न आप लोग सोच रहे होंगे, नहीं आप लोगों को तो पता है, टाइटल पढ़ लिया होगा। यस, तो मैं जा रहा हूँ खाना खाने, डिनर करने विथ माई फ्रेंड्स। तो ये है आशीष और ये है जय। एक और भी था लेकिन अब हम उसे दोस्त नहीं समझते, क्योंकि उसने पिछले काफ़ी टाइम से हर बार वो गुल्ली मारता है, तो उसको अभी हम लोग तीनों जब मिलेंगे, उसका नाम है सुधीर। सुधीर अगर तू ये वीडियो देख रहा है तो देख ले, लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना, लेकिन आज से हम दोस्त नहीं हैं। तो आज हम लोग खाने जाने वाले हैं एब्सोल्यूट बारबेक्यू। क्या क्या खाऊंगा वो आप लोगों को बताऊंगा और कैसा लगा वो भी बताऊंगा। खैर बातें तो होती रहेगी, खाना पीना चलता रहेगा। मैंने मेरे मील ऑलमोस्ट सुबह से अभी तक के सारे कंप्लीट किए हैं। पहले मैंने सोचा था कि कुछ ना खाऊं ताकि ज़्यादा खा पाऊं, वहाँ पे पैसा वसूल कर पाऊं, लेकिन मैंने सोचा नहीं फोन, ये छोटी सोच को बदलना होगा। नहीं मजाक कर रहा हूँ। तो नहीं, मैंने मेरे सारे मील कम्प्लीट किए हैं, अभी वर्कआउट करूंगा और कार्डियो भी करूंगा। उसका रीज़न यही है कि फिर से पेट खाली हो जाए और फिर हम खाना शुरू करें। और आपको तो पता ही है, जब मैं खाना शुरू करता हूं तो मैं पार्किंग के लिए जो नीचे घूमना पड़ता है ना, वो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कितना मेरी लाइफ का टाइम वेस्ट कर दिया। गाइस थोड़ा अंधेरा आएगा, डरना मत। जोक था, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है। अभी जिम चलेंगे। ऑलराइट एवरीवन, यस बहुत दिनों बाद मैंने शर्ट वर्ट डाला है। वर्कआउट हुआ, कार्डियो हुआ, लेकिन मैं शूट नहीं कर पाया। थोड़ा बहुत शूट किया, वो आप लोगों ने देखा, वो भी मैंने सलमान को बोला, सलमान तू कर ले तेरे मोबाइल में। टाइम हो गया है, आशीष भी रास्ते में, जय भी रास्ते में है, तो मुझे जल्दी पहुँचना पड़ेगा। ओके एवरीवन, तो फाइनली मुझे जय नज़र आया, ये देखिए जय है। तो जय आ गया है, मैं आ गया हूँ, आशीष का वेट कर रहे हैं, फिर हम लोग ऊपर चलते हैं। ऑल राइट गाइस, तो यस एब्सोल्यूट बारबेक्यू। वो है ना, अपना स्वागत कर रहे हैं। इरफान शेख, हाँ जी, हम लोग चार आने वाले थे लेकिन एक एक्सपायर हो गया। तीन लोग। गाइस आशीष को आने में शायद और 15 मिनट लगेगी, हम लोग भी खाना शुरू नहीं किया, बैठे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि खुद एक चक्कर लगा के देख भी लूँ कि क्या क्या है वैरायटीज, और आप लोगों को भी दिखा दूँ। तो चलिए देखते हैं। ऑलराइट गाइस, तो देखिए मटन हांडी, बटर चिकन एंड चिली चिकन, एग करी, चिकन फ्राइड राइस एंड श्रीलंकन फिश करी। क्या बात है, ये ट्राई करूँगा मैं। पेश है चिकन दम बिरयानी। सच बताऊँ तो देख के खाने की इच्छा नहीं हो रही है, लेट से ट्राई करेंगे। ये कुछ सलाद है और यहाँ पे कुछ वेज आइटम है, ये है वेज बिरयानी। अपने को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है ये सब चीज़ों में, फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ। सब्ज़ हांडी, मेथी मटर मलाई
एंड गोभी मंचूरियन, पनीर टिक्का मसाला एंड कच्चे केले का कोफ्ता। कोफ्ता तो है भाई, ओके ये है कोफ्ता। गाइस ये है बटर गार्लिक नूडल, ये एब्सोल्यूट बारबेक्यू स्पेशल दाल, चलिए ये ट्राई करूँगा मैं। एंड ये है दाल तड़का स्टीम राइस, दाल तड़का काफ़ी लजीज लग रहा है, विल ट्राई। ओके लेट्स मूव दिस सेक्शन वेज। गाइस यहाँ पे तो मतलब सब्वे टाइप का माहौल है पूरा, सारे जलेपिनो पनीर मशरूम एंड ये सब चीज़ें हैं, देख लीजिए। तो यस ये है हमारे काम की चीज़ नॉन वेज, यहाँ पे तरह तरह के मतलब मिलेंगे, देखिए ये कल्चर्ड बनी डक शार्क क्वेल और बाकी के पोस्टर है नहीं तो पता नहीं चल रहा है। और ये है स्पेशल तवा फ्राई, यहाँ पे अभी बंदा आएगा और ये तवा, वो एक बड़ा तवा है, बढ़िया है यार ये सेक्शन। और यस यहाँ पे पिज़्ज़ा हो रहा है सामने एंड पास्ता काउंटर, ये कुछ पानी पूरी है। ऑलराइट गाइस तो फाइनली वी आर, मतलब ये है मेरी जगह, देख लीजिए ऑरेंज पेस्ट्री, क्या बात है। दिस इज एब्सोल्यूट बारबेक्यू सेलिब्रेशन पेस्ट्री, ये क्या चीज़ है भाई इंद्राणी, ये तो मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा है यार इंद्राणी, क्या बात है। और ये है केसरी फिरनी, नाइस, दिस इज कॉल्ड चीज केक, क्या बात है भाई, मतलब अंदाजा लगा रहे हो आप लोग। एंड ये है सम फ्रेश फ्रूट वाटरमेलन, ठीक है आगे बढ़ते हैं, थैंक यू भैया। ये है कुछ अंगूरी गुलाब जामुन, वाह। और ये मूंग दाल हलवा, वाह। यहाँ पे गर्मा गर्म जलेबियाँ बनेगी, देख लीजिए लाइव जलेबी। और ये ऊपर है ब्राउनीज, ऑलराइट गाइस ये है मेनू। और बस आले शुरू भी कर दिया देखिए इसके इसके वजह से मैं रुका और इसने शुरू कर दिया, पैटिंग चालू कर दी है भाई, देख लीजिए। आपका मॉकटेल इसमें आपका लीची ऑरेंज स्ट्रॉबेरी, लीची तो क्या लगा, लीची लीची सर, लीची अच्छा होगा, सबसे बढ़िया लीची खट्टा मीठा आएगा, खट्टा मीठा कर दो लीची तेल के साथ। आपको बारबेक्यू में लेके जाऊंगा, वहाँ पे रेडी करना है। हाँ प्लीज यार, चलते हैं, थैंक यू। तो अनित यहाँ का मतलब हमको खिलाएगा और बहुत ही अच्छा बंदा है, स्वीट बंदा है। चलिए शुरू करते हैं और फिर मैं बताता हूँ आप लोगों को अंदर जाके, लेट्स बिगिन। अनित है जो हमें लेके जा रहा है इनसाइड द किचन, बहुत ही अच्छा बंदा है तो मैं बताता हूँ। आज हम तीन बना रहे हैं आपके लिए खाना, तो शेफ इरफान शेफ आशीष और ये हमारा शेफ जय। Hold me tight.
गाइस बहुत ही मजा आया। अनित हमको अंदर लेके गया था, मैंने, आशीष ने और जय ने, बढ़िया सा भाई जो मजा आया है लाइफ का, अंदर जो फील आ गया मतलब शेफ वाला। तो बस अभी फिर से शुरू करते हैं खाना, सेकंड राउंड। आशीष की जगह बदल ली। हाँ, इसने मेरी जगह बदल ली। इसका रीजन, इसका रीजन है मूड मत करना। बहुत ही बढ़िया स्टार्टर था आज का, अलग ही नेक्स्ट लेवल था। और मैंने आशीष से जेने मिलके जो आइटम बनाई थी मिक्स आली सब एक नंबर, बहुत खाया। इतना स्टार्टर मैंने आज तक कभी नहीं खाया। ये वीडियो बनता है भाई ने जलेबी जो ली है ना भाई, बहुत बड़ी साइज की जलेबी ली है। ये ही साइज की थे यहाँ पे अवेलेबल, इसके साइज से तो बहुत बड़ी है ये। बट कैसी है, कैसी है भाई, जो क्रंचीनेस आ रहा है ना भाई। गाइस आप लोगों को लाइव तवा आइसक्रीम बताता हूँ मैं, मेरा पेट खत्म। चलिए अभी मैं ये खाऊंगा पान आइसक्रीम। मैं ट्राई कर लिया, हाँ बढ़िया है, बढ़िया। जब मिल बैठे तीन यार, चौथे का तो पता नहीं, जब मिल बैठे तीन यार। कमाल, इतना अच्छा मैं आज तक नहीं किया। ओके सर, मैं ना वाड़ी थे सर।
अनित सिंघा, कोलकाता से सर। अनित सिंघा फ्रॉम कोलकाता। इतना अच्छा मोजिटो हम तीनों ने, ना कि सिर्फ मैंने, कभी नहीं पिया। आज का दिन तो बहुत अच्छा रहा। ये देखो भाई क्या बोल रहा है, कट भाई, मोटा तो होता है ये, ऐसा नहीं है, इतना खाना खाया ना भाई, इरफान भी मोटा हो गया, जय भी मोटा हो गया। मैं तो दो घंटे कार्डियो करूंगा, मैं तो दो घंटे सो जाऊंगा। तो गाइस फाइनली हम लोग बाहर आ गए, आज सच में बहुत ज़्यादा खा लिया मैंने भी, आशीष ने भी और जय ने भी, क्योंकि खाना बढ़िया था, खाना बढ़िया था। और वो भैया उसका नाम क्या था यार, अजीत, अनित, अनित सिंघा, अनित सिंघा जो मॉकटेल बारटेंडर था, बंदे ने क्या मोजिटो बनाई थी, मतलब मैंने तो मेरे लाइफ में इतनी अच्छी नहीं थी सीरियसली, तो अमेजिंग एक्सपीरियंस और बंदे के वजह से मज़ा आया। तो लेट गाइस, तो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, ज़्यादा पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना, जल्दी मिलते हैं, गुड बाय, टेक केयर एंड खुदा हाफिज़। मैं थोड़ा एक्साइटमेंट से रीटेक दे देना यार। तो सब्सक्राइब कर देना, जल्दी मिलते हैं, क्या बोलना था यार।